नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश की एकमात्र मेडिकल विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त प्रदेश में 400 से ज्यादा कॉलेज संचालित हो रहे हैं। एनएससीवाई मेडिकल विंग के प्रदेश समन्वयक रवि परमार ने आईटीआई के माध्यम से बड़ा खुलासा किया है। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2018 और 19 में जो कॉलेजों का निरीक्षण किया गया था, उसमें कई निजी कॉलेजों की अनियमितताएं और कमियों पर उपकुलसचिव द्वारा पर्दा डाला जा रहा है। परमार ने उप कुल सचिव सुनील खरे से सूचना का अधिकार के माध्यम से जानकारी मांगी तो पहले तो उन्होंने जानकारी छुपाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब विरोध बढ़ने लगा तो वहां विश्वविद्यालय से भाग खड़े हुए। रवि परमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2018 और 2019 के निरीक्षण क्षेत्र में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और विश्वविद्यालय के मान्यता संबंधित नियमों का उल्लंघन किया गया है। निरीक्षण में भोपाल जिले के 4 प्राइवेट होम्योपैथिक, 4 प्राइवेट आयुर्वेदिक, 30 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, 10 प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज शामिल हैं और ऐसे ही प्रदेश के कई कॉलेज हैं जो कि विश्वविद्यालय को गुमराह पर फर्जी स्टाफ दिखाकर या किराए की बिल्डिंग दिखाकर और पैसे का लेन देन कर मान्यता ले लेते हैं और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और विश्वविद्यालय के नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मध्य प्रदेश के मेडिकल विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उस भ्रष्टाचार में लिप्त विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव सुनील खरे, जो कि मेरे द्वारा जो भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी है वो सूचना अधिकार के द्वारा मेरे द्वारा मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने पहले तो जानकारी को छुपाने का प्रयास किया। जब मैंने उसका विरोध किया तो मुझे सुरक्षाकर्मी के द्वारा पकड़ाकर वहाँ अपने चैम्बर से भाग खड़े हुए और उन्होंने जो जानकारी है उसको छुपाने का प्रयास किया है। इससे शिक्षा माफिया लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा माफिया को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं कुल सचिव, और जो उससे जुड़ी जानकारी है उसको लगातार छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एनएसवाई इसको लेकर जल्दी सूचना आयोग जाएगी और विधि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर प्राइवेट एफआईआर दर्ज करवाएगी। आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।